मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना के बाद जिस तरह से आम आदमी की आर्थिक स्थिति पटरी पर आती दिखाई दे रही थी, उसी के तरह दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद धोखाधड़ी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी कड़ी पर लोन के नाम पर दर्जन महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की वारदात को लेकर महिलाओं ने इंदौर DIG से शिकायत दर्ज करवाई। इंदौर के आजाद नगर थाना स्थित मूसाखेड़ी में गरीब व निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ लोन दिलवाने के नाम पर दिव्यांश नामक व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिलाओं द्वारा बताया गया कि युवक द्वारा उन्हें रोजगार व अन्य समस्याओं की पूर्ति के लिए लोन दिलवाने का आश्वासन दिया गया था। यह युवक महिलाओं से कहा कि टाटा फाइनेंस नामक हैदराबाद की कंपनी उन्हें कम दरों पर लोन उपलब्ध करा रही है। बदमाश युवक ने की बातों पर क्षेत्र की महिलाएं आ गईं और युवक द्वारा बताए गए निजी डॉक्यूमेंट्स युवक को उपलब्ध करवाए और लोन लेने के लिए कंपनी का सदस्य बनना अनिवार्य बताते हुए महिलाओं से पहली किस्त 6,320 रुपए बैंक अकाउंट में जमा करवाए और 5 दिन में लोन मिलने का आश्वासन दिया। आजाद नगर क्षेत्र की कुछ महिलाएं आई हैं, उन्होंने एक देवांश नाम के लड़के के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं कि इसने टाटा फाइनेंस के नाम पर इन लोगों से लोन कराने के नाम पर 2 बार में अलग अलग ढंग से 5,000 के लगभग रुपए लिए हैं और उसके बाद लेने के बाद अभी तक कोई उनका लोन नहीं हुआ है और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाता नहीं है और अभी संपर्क में नहीं है। सर, ये बड़ी कंपनियों के नाम से लगातार धोखाधड़ी हो रही है, देखा जाए ये धोखाधड़ी की जो शिकायतें आ रही हैं उस पर अभी वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार का जो अभियान चल रहा है उसके तहत इन पर कार्रवाई हो रही है और जो ये अभी बात आई है ये जाँच के पश्चात इस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब 5 दिन बाद भी लोन नहीं मिला तो महिलाओं ने बदमाश युवक दिव्यांश से पूछताछ की तो दिव्यांश ने बताया कि टाटा कंपनी के मैनेजर को कोरोना हो गया और लोन मिल जाएगा, ऐसा फिर से आश्वासन दिया। हम ना लोन के हमारे साथ में लोन का फ्रॉड हुआ है। एक व्यक्ति देवांश नाम का हमारे घर आया और कहता है मैं लोन करता हूँ टाटा फाइनेंस थर्ड से, उसके नाम से हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तो हमने पूछा भाई कितने तक का करते हो, तो कहले 1,000 से 1 करोड़ तक का करता हूँ। तो मैंने बोला हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 लाख का करा दो आप। तो कहले गए कि पर्स ग्रुप में दिलवा दूंगा। तो मैं ठीक है हम ग्रुप बना लेते हैं, 20 महिलाओं का हमने ग्रुप बना लिया। और क्या कराते हो, तो कहले पर्सनल भी कराता हूँ। तो 3 हमने पर्सनल के नाम दिए थे। तो कहले गए 5 दिन में आपका मैं लोन करा दूंगा टाटा फाइनेंस से, हैदराबाद की कंपनी बताइए। तो मैंने कहा ठीक है। के लगे आप लोगों के कागज़ दे दो, हमने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया और बैंक की पासबुक दी। 3 दिन बाद बोलते हैं दीदी आपका लोन पास हो गया है, अब आपको 3,620 रुपये किसी मोमेडियन का हमको अकाउंट नंबर दिया उसके अंदर डालना है, नाम बताओ उनका, उसके अंदर डालना है। तो हमने उसके अंदर, हाँ उसके अंदर हमने 3,620 रुपये ऑनलाइन जमा करे, अब्दुल रहीम के नाम से ऑनलाइन जमा करा भारतीय स्टेट बैंक के अंदर। उसके बाद में 5 दिन बाद फिर आए, भैया लोन नहीं हुआ। कहला नहीं दीदी लोन तो हो गया है, अब वो विजिट करने आ रहे हैं आपके यहाँ संडे के दिन। मैं ठीक है संडे के दिन आते हैं, हम सब जने अपने घर पर ही रहेंगे। संडे के दिन बोलते हैं दीदी अरे उनको कोरोना हो गया है तो ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। हमारे से तीन जनों ने ऑनलाइन मीटिंग करी जिसमें एक लड़का था 2 लड़कियाँ थी। हमसे बहुत सारी बातें पूछी गई, आप क्या करते हो, आपके घर में कितनी आमदनी, आप कितना खर्चा करते हो, जैसे आम होता है वैसे ही उनने सारे सवाल करे, हमने उसका जवाब दिया। उसके बाद बोलते हैं ठीक है आपका हो जाएगा, आप 2100 रुपये और ऑनलाइन जमा कर दो। तो मैंने बोला 2100 रुपये क्यों जमा करें, कहले नहीं आपका लोन वो GST और ये सब लगेगा तो वो हमारा नहीं आपका लगेगा। तो मैं ठीक है सर लगता होगा तो हम जमा कर देंगे तो लोन तो हो जाएगा ना, कहले हाँ बस कल आपके खाते में लोन आ जाएगा। तो लोन तो संडे का दिन था, अब हम ऑनलाइन कैसे जमा करते हैं, बहुत सी दुकानें खुलती हैं, नहीं खुली हमारे दर की। तो वो कह लगे हमको हाथ में दे दो, तो हम सब ने हाथ में दे दिए उनको पैसे, उसके हमारे पास कोई रसीद नहीं है। अभी ये स्थिति है, उनका देवेंश का फोन चालू है लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। और उनने बोला था अगर टाटा फाइनेंस थर्ड हमको फ्रॉड भी निकलती है तो मैं आपका देनदार रहूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है।